हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है। आज हम देखेंगे, आज हम कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक का पहला चैप्टर देखेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, विकास क्या होता है, विकास के लक्ष्य देख लिए थे कि कैसे कोई एक विकास, किसी एक व्यक्ति के लिए विकास क्या है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए विकास का मतलब कुछ और है। जैसे सुना हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या है, जबकि शहर में एक अमीर परिवार में लड़के के लिए विकास का क्या मतलब है। आज हम देखें कि नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, सब। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, नेशनल विकास। आपको पता है कोई भी देश जो बनता है अपने नागरिकों से ही बनता है, वहां रहने वाले, वहां निवास करने वाले नागरिकों को मिलाकर एक देश बनता है। और उस देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना, यदि वो अच्छी है और देश में नागरिकों के स्वास्थ्य से, शिक्षा से, और जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो रही है, और साथ में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या कहेंगे, देश का विकास हो रहा है। यानी कि नेशनल लेवल पे विकास हो रहा है। मैंने आपको बताया था, यदि एक सिंपल व्यक्ति की विकास की बात करें तो उसे मूलभूत आवश्यकता मिले, और क्या, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी चीजें मिले, और अब सभी देश के नागरिकों को मिलेंगे तभी देश का विकास होगा, उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। देश के सभी नागरिकों के सामूहिक विकास से, अभी मैंने कहा कि विकास खाली एक व्यक्ति के विकास की अवधारणा अलग है, अब सबका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। देश के सभी नागरिकों के सामूहिक, यानी कि ग्रुप में, यानी कि सबके विकास के साथ साथ देश की आधारभूत संरचना, जैसे रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में भी क्या हो रहा है, इन सब का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इनमें सुधार हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय विकास। अच्छा बेटा, राष्ट्रीय विकास के अंदर नागरिकों की बुनियादी चीजें, जैसे मैंने बताया नागरिकों को बुनियादी चीजें, सुरक्षा, शिक्षा, भोजन, समाज सेवा, चिकित्सा सेवा, ये सब मिले, और देश की जो आधारभूत संरचना है उसमें भी सुधार हो, और साथ में प्रति व्यक्ति आए, हर एक व्यक्ति के पास इतनी इनकम हो कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते, यानी कि कुल मिला के रोजमर्रा के अपनी उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसे ही राष्ट्रीय विकास कहते हैं। बेटा, अगर इन शॉर्ट में मैं कहूं, संपूर्ण देश का विकास उसके रह रहे नागरिक और उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। देश की भौतिक अवस्था, संरचना ठीक हो रहा है और देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में सुधार हो रहा है, तो देश का विकास हो रहा है, यानी कि नेशनल विकास हो रहा है। बेटा, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक वर्ष के अंदर देश के अंदर वस्तु और सेवाएं, जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है, आपको पता है उनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है, वस्तुएं बिकती है, सेवाएं दी जाती है, उनका जो टोटल मूल्य होता है उसका आपको पता है जीडीपी भी कहते हैं, लेकिन उनके उनकी आय का कुल मूल्य का योग क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। यानी कि इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ, देश के लोगों की आय का कुल योग क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। अब इसमें एक वो आता है सेंटेंस, एक बात है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति क्या होती है, ये तो देश की इनकम हो गई, देश के लोगों की आय का कुल योग, यानी कि सब लोग मिलकर कुल क्या कमा रहे हैं, देश की इनकम काउंट होगी। ठीक है, अभी से दोबारा से समझेंगे, पहले इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति मतलब हर एक व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। बेटा, देश की जो कुल आय है, टोटल जो देश की आय निकल लिए, उसे देश की जनसंख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या, औसत आय। बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, औसत आय के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पर समझिए, ये देश है, ये
देश है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या है, लोग पैसा कमा रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया मतलब काम, आर्थिक पैसों से संबंधित वह क्रियाकलाप या वह मानव की एक्टिविटी जिससे क्या मिले, इनकम मिले, आय प्राप्त, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगे। अब ये सब आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं और इनकम कमा रहे, पैसे कमा रहे। अब इन सबके टोटल पैसे मिला के क्या बनेगी, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को यानी पूरे देश की राष्ट्रीय आय बन गई। अब एक व्यक्ति कितना कमा रहा, तो देश में जितने लोग रह रहे सबकी मिलाकर आय बनाई थी। अब उन्हीं सब लोगों को राष्ट्रीय आय से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, जनसंख्या को, जितने लोग रह रहे, जितने लोग कमा रहे, टोटल इनकम है एक की निकालने, आपको पता है टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से कर दो डिवाइड, तो क्या आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। बेटा प्रति व्यक्ति का है ना औसत आय, मैंने बता दे इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में आते ही आता है। अच्छा बेटा शिशु मृत्यु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर नाम से समझ में आ रहा है, शिशु यानी कि बच्चा जो जन्म लेता है शिशु, और मृत्यु मरने की रेट, किस रेट से बच्चे मर रहे हैं। तो किसी वर्ष में पैदा हुए, एक वर्ष का समय ले लेते हैं, और उसमें हजार, कम से कम अब पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से कम कितने बच्चे मर चुके हैं, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है, शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लो, आप देखो यार 1000 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 बच्चों ने जन्म लिया। अब इन 1000 बच्चों में से जब एक वर्ष की आयु होगी, एक वर्ष की आयु से पहले, एक वर्ष होने से पहले जितने लोग मर जाएंगे उनके ही अनुपात को क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर, ठीक है बेटा। 1000 जीवित बच्चों ने लिया, अब एक वर्ष की, एक साल के होने से पहले कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चों का कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, क्या कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर। अच्छा साक्षरता दर क्या होती है बेटा, साक्षरता दर जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है या उससे अधिक वर्ष का हो जाता है, 7 साल की उम्र हो जाती है, उससे अधिक उम्र का हो जाता है, तो उनमें साक्षरता यानी कि पढ़ने लिखने की जो रेट है, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, कितने लोग नहीं, जो पढ़ने लिखने की जो रेट है, साक्षरता पढ़े लिखे लोगों की जो रेट है, उसी को क्या कहते हैं, साक्षरता दर। अब बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा, पेपर में प्रति व्यक्ति आय भी आता है, इसकी डेफिनेशन भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, प्लस में इसका न्यूमेरिकल भी आता है कि देश की कुल आय मान लो आपको 60,000 दे दी, 60,000 दे दी, और देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 10,000, ठीक है 10,000, तो एक एक व्यक्ति के पास इनकम कितनी आएगी, एक व्यक्ति के पास इनकम कितनी आएगी, इसे 6,00,000 मान लो, एक व्यक्ति के पास इनकम 60,000 रुपए, ठीक है। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं पेपर में, या फिर इसका सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर ये आते ही आता है कि औसत प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, औसत आय के नाम से, और शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन भी आती है और साक्षरता दर की डेफिनेशन भी आती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने विकास के कुछ मापदंड देखे थे, जैसे कि एक तो प्रति व्यक्ति आय था, और प्रति व्यक्ति के अलावा भी कुछ मापदंड हमने पहले देख लिए थे, जैसे साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। लेकिन आज हम अन्य मापदंड देखेंगे जो हमारे नहीं हुए थे लास्ट क्लास में। तो सबसे पहला जो मापदंड है बेटा वो BMI है। कौन सा, BMI। पेपर में BMI आते दो तरीके से आते हैं, एक तो फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सेकंड चीज पूछा जाता है BMI होता है क्या, तो आपको या तो ये फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या डेफिनेशन। यदि फॉर्मूला पूछे तो ऐसे पुट करके रख दो, और यदि डेफिनेशन पूछे तो इसी को डेफिनेशन बना दो। कैसे, जब किसी व्यक्ति के वजन को जो कि किलोग्राम में, को ऊंचाई जो कि मीटर स्क्वायर में होती है, उसे डिवाइड यानी कि विभाजित कर दिया जाता है, वजन को विभाजित कर दिया जाता है ऊंचाई से,
तो व्यक्ति का BMI निकल जाता है। बेटा BMI किस लिए होता है ये बताने के लिए व्यक्ति कितना स्वस्थ है, क्या व्यक्ति कुपोषण का शिकार तो नहीं है। बस इससे BMI निकालते, जो संख्या निकलती है उसे हम रेंज देखते हैं कि कौन से रेंज में स्वस्थ व्यक्ति, कौन से रेंज में निम्न व्यक्ति, कौन से रेंज में कुपोषण वाला व्यक्ति है। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, बस यही दो तीन चीजें आती हैं। अब बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं लिंग अनुपात या फिर पुरुष महिला का अनुपात। अनुपात आपको पता है रेशो, यानी कि पुरुषों के साथ महिलाओं का क्या रेशो, यानी कि पुरुष कितने और महिलाएं कितनी है, ठीक है। वैसे लिंग अनुपात इसे कहते हैं शॉर्ट में, प्रति 1000 व्यक्तियों पे कितने 1000 व्यक्तियों पे कितनी महिलाएं हैं। यदि बच्चों देखो इनके शादी होगी, कम से कम 1000 व्यक्तियों के लिए 1000 महिलाएं तो चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा है कि अब तुलना करेंगे हम कि यदि 1000 व्यक्ति है तो महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं इसी जो हम अनुपात देखेंगे ना, तुलना करेंगे 1000 व्यक्तियों के लिए कितनी महिलाएं उन पे, ये जो अनुपात देखेंगे उसे लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यदि लिंग अनुपात नकारात्मक होता, बच्चों हम मान लो 1000 तो पुरुष जन्म लिए और जो महिलाएं थी वो 900 800 700 इतनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, खराब है, या तो उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है या फिर और भी एक्टिविटीज होती है जिसके कारण से क्या महिलाएं जनसंख्या घट रही है। क्यों घट रही है, उसके पीछे वो बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं थी। अब बताओ 1000 पुरुष 943 महिलाएं, बहुत ना इंसाफी की बात है, नहीं है। अब बाकी जो पुरुष बचे उनके लिए क्या है, उनके लिए कहां से महिलाएं आएंगी, ठीक है। तो जितनी आवश्यकता पुरुष की है, यदि आपसे ये बात समझिए, जो जनरेशन है आगे बढ़ती है वो पुरुष और महिलाओं दोनों से बढ़ती है, और यहाँ पर महिलाएं तो कम है पुरुष ज्यादा है, तो जनरेशन कैसे बढ़ेगी आगे, ठीक है। इसलिए और अगर ऐसा है महिलाएं कम है तो ये एक चिंता का विषय कि ऐसा क्या हो रहा है जो महिलाएं कम है, ठीक है। साक्षरता दर हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, शिशु मृत्यु दर भी मैंने बता दिया था, BMI अभी बता दिया, लिंग अनुपात भी अभी आपको बता दिया, और जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जीवन जीने की अवधि। बेटा एक बात सुनना, अब इन सब में एक दो चीजें कॉमन लेके चलना। पहले क्या, हर देश में विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति या फिर प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे बताना शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम के शिशु मर रहे, क्या वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, नहीं होगी। क्या विकास हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। पर्यावरण अच्छा होगा इसलिए क्या पता उसके इफेक्ट की वजह से बच्चे मर रहे हो, ठीक है। साक्षरता दर, पढ़े लिखों की जनसंख्या कम 7 वर्ष या उससे अधिक वाले कोई जनसंख्या पढ़े लिखों की कम, क्या शिक्षा अच्छी मिल रही है तो विकास कैसे होगा। BMI यानी कि वो अच्छे वो कुपोषण का शिकार हो रहे, BMI कम है कुपोषण का शिकार हो रहे, क्यों हो रहे, क्योंकि स्वास्थ्य भरी चीजें नहीं खा रहे, अच्छी चीजें नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि वो उनकी पहुंच में नहीं है, उनके पास इतने प्रति व्यक्ति आय कम है, इनकम कम होती है तो अच्छी चीजें नहीं खा पाते, इसलिए वो किसका शिकार हो रहे, कुपोषण का। आ गई ना बात,
यहाँ पर शिक्षा की बात, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात। लिंग अनुपात महिलाएं कम क्यों हो रही है? क्या कई बार महिलाएं नहीं चाहिए, बेटे नहीं चाहिए होती है, जो गर्भ होता है उसमें हत्या हो जाती है, बहुत सी बातें हैं। तो वहां पर शिक्षा की तो कमी, लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर लोग शिक्षित हो तो समझेंगे कि महिलाओं की कितनी समाज में आवश्यकता है। एक महिला ही है जो जो जनरेशन को आगे बढ़ाने से लेके सभ्य बनाने तक का काम करती है। आज देखते हो फादर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन फादर तो काम पे चले जाते हैं। जो महिलाएं होती है बच्चों को संस्कार देती है, सिखाती है कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे चलना। तो एक व्यक्ति जन्म तो ले लेता, लेकिन सभ्य उसके गुरु के रूप में एक माँ उसे सभ्य बनाती है, फिर सभ्यता थोड़ी बहुत सिखा के उसे स्कूल भेजती है, फिर उस गुरु का काम एक, फिर उस माँ का काम एक टीचर ले लेता है, फिर दोनों मिलकर व्यक्ति को सभ्य बनाते हैं और उसकी सफलता के लिए मार्ग दिखाते हैं उसे। तो इसलिए महिलाओं का महत्व बहुत ज्यादा है। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा आय के अतिरिक्त, यानी कि पैसों के अलावा भी पढ़ाई लिखाई, जीवन जीने की अवधि। बेटा पहले 90-90 साल जीते थे, अब 40-40 साल। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर जो पर्यावरण है वो अच्छा नहीं है, इसलिए तो लोगों की मृत्यु हो रही है। या खाना पौष्टिक तत्वों से नहीं है, उसमें खाना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि मानव का विकास नहीं हो रहा। बेटा मानव के विकास के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किसी पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। अब बेटा सार्वजनिक सुविधा देख लो, आपको पता है हमारे समाज में कुछ अमीर वर्ग के भी रहते हैं और कुछ गरीब वर्ग के लोग भी रहते हैं। गरीब वर्ग के लोग ज्यादा एज कंपेयर टू अमीर वर्ग के लोग, ठीक है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी सुविधा है, जैसे पार्क हो गया, कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया, बिजली है, परिवहन है, अस्पताल है, स्कूल है, अमीर तो चलो एक पल को अफोर्ड कर लेंगे, क्या गरीब गरीब की पहुंच में ही है? क्या गरीब यदि मोची या कोई है वो अपने बच्चों को प्राइवेट या बड़े स्कूल में भेज सकता? नहीं। सार्वजनिक सरकार ने उसके बच्चे को पढ़ने की शिक्षा दी, क्या वो महंगी कार से जा सकता? नहीं। सरकार ने बस लगाई जिसमें सस्ता किराया किया, सरकार ने बिजली दी सस्ती, सरकार ने अस्पताल बना के दिए सरकारी, ताकि बीमार हो तो आपको महंगे जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट का, वो किसमें जाए? सरकारी में। तो कुछ सर्विसेज, कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती है जो एक मामूली इंसान के बहुत से बाहर होती है। वो सब सुविधाएं, वो फैसिलिटी देने का काम किसका होता है? सरकार का। उसी फैसिलिटी को सार्वजनिक फैसिलिटी कहते हैं। मैंने अभी बताया सार्वजनिक फैसिलिटी आम जनता के बहुत से बाहर होते हैं। अब बेटा देख लो, इसी में टॉपिक है, वैसे मैं आपको संसाधन एवं विकास वाले में बता चुका हूँ। क्या टॉपिक है? सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है बेटा? पर्यावरण जो वर्तमान की पीढ़ी, जो प्रेजेंट की जनरेशन है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, लेकिन दो कंडीशन के साथ, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। और दूसरी आने वाली या भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। यानी कि इतना यूज करना ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनका इस्तेमाल कर सके। और सतत यानी कि लगातार निरंतर विकास आप करिए, लेकिन ये दो बातें ध्यान में रख कर करिए, ठीक है। और बेटा इसमें ये भी कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। और मैंने आपको बताया था संसाधन समाप्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका भी इस्तेमाल होता है समाज में, जैसे जैसे
कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो इसमें ये बात कही जाती है हमें सतत पोषणीय विकास यानी कि पर्यावरण अच्छा वाला विकास तब मिल सकता है जब हम अनवीकरणीय संसाधनों को क्या करें, सही से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये चैप्टर में था। अब ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली खत्म हो चुका है बेटा। अगर कोई क्वेरीज हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।